नमस्ते, ईसी आयुर्वेद डॉट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेनेटा डिसोजा। आज हम एक आयुर्वेदिक दवाई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कनकासव। कनकासव एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका उपयोग श्वसन संबंधी बीमारियों में जैसे कि अस्थमा, खांसी के इलाज में किया जाता है। इसमें 5 से 10 स्वयं उत्पन्न प्राकृतिक अल्कोहल है। इसका रेफरेंस वैशिष्ट्य रत्नावली नामक एक पाठ्य पुस्तक से है, चैप्टर 13 श्लोक संख्या 98 से 102 तक। कनकासव के उपयोग जानेंगे। यह श्वसन संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अस्थमा, खांसी, बुखार, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस, दुर्बलता, चोट की देखभाल में सीने में चोट, वजन बढ़ाने का चिकित्सा, पुराना बुखार और रक्तपित्त यानी नाक से खून बहना और आदि बीमारियों में कनकासव का उपयोग करते हैं। कनकासव का डोज 12 से 25 ml दिन में 1 या 2 बार आमतौर पर भोजन के बाद दी जाती है। जरूरत पड़ने पर इसे बराबर मात्रा में पानी मिलाया जा सकता है। कनकासव का साइड इफेक्ट्स यानी इसका दुष्प्रभाव, सामान्य डोज में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन अधिक डोज में डायरिया और पेट में जलन पैदा कर सकता है। इसलिए इस दवा को हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लेना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कम खुराक में इस दवा का उपयोग करना सुरक्षित है। गर्भावस्था के दौरान इसे ना लेना ही अच्छा है या इसे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ले सकते हैं। स्तनपान की अवधि के दौरान इसे डॉक्टर की सलाह के आधार पर कम खुराक में लेना चाहिए। और कनकासव के कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें दत्तूर, वासा, लिकोराइस, पिपली, कंटकारी, नागकेशर, शुंठ, बारंगी, तालिस्पत, दातकी, उडफोडिया फ्रूटिकोसा यह एक फर्मेंटिंग एजेंट है। किशमिश चीनी और शहद है। कनकासव का निर्माण कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है जैसे जंडू, सांडू, डाबर, वैद्यनाथ, आर्य वैद्यशाला, AVP आदि। इसकी एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग की तारीख से 10 साल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भेंट कीजिए easyayurveda.com।